कई बार एक छोटी सी मदद भी बड़ा काम कर जाती है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि एक उद्देश्य से किया गया काम हमेशा फल देता है। आज की कहानी कुछ ऐसा ही हमको सिखाने वाली है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूँ। सचिन को पेड़ पर दया आ गई और उसने उस पेड़ को पानी दे दिया। कई दिनों तक वो उस पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वो ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वो एक पेड़ को बचा सकता है तो वो कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन उस पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, खाद दी और कीटनाशक दवाइयाँ दी। धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगा दिए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्दी ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वो जानता था कि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार सचिन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा और उसने जंगल में और अनेक पेड़ लगा दिए। सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई थी। सचिन की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ इसी चैनल पर।